आजादी के लगभग 76 साल बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जो पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे ही एक गांव मिर्जापुर की पहाड़ियों पर स्थित लहुरिया दाह में है। जब पहली बार पाइप से पानी की सप्लाई की गई, तो वहां के लोगों ने खुशी का अनुभव किया। दरअसल तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने लहुरिया दाह गाँव में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई शुरू कराई। वही अब तक गाँव के करीब 1200 लोग पानी के लिए पास के झरने पर निर्भर थे, जो गर्मियों में सूख जाता था। ऐसे में गाँव में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकर के एकमात्र साधन था, जिसके लिए गांव वालों को पैसे देने पड़ते थे। बता दें कि लहुरिया दाह देवहार ग्राम पंचायत की सीमा में आता है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने गांव में पानी के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद मांगी और कठोर चट्टानी सतह पर स्थित गांव तक पानी की पाइपलाइन ले जाने के लिए उपयुक्त तकनीक का पता लगाने के लिए जल जीवन मिशन, यूपी जल निगम, नमामि गंगे के अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारी की एक संयुक्त टीम का गठन किया। इसके बाद इस गांव के लिए अलग से एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिसे मंजूरी मिली और आखिरकार गांव में नल से पानी की सप्लाई शुरू हो गई, जिसके लिए गांव में एकमात्र कुएं का उपयोग वर्षा जल संचयन के लिए किया गया है, जबकि जानवरों के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए एक कृत्रिम बांध बनाया गया है। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।